तो अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस किया था। ये जो पेर है ये अभी भी पेयरिंग नहीं हो रहा है। फीमेल बहुत एग्रेसिव है। मैं कोशिश करूँगा कि वाइट फेस के लिए मैं दूसरी फीमेल लेके आऊँ। फिलहाल तो मैं इनको यहीं पे रखूँगा, सेपरेट रखूँगा इन दोनों को। और एक जो पेड़ है ये वाला, इसको मैं बाहर शिफ्ट करने वाला हूँ। इनको मैंने ब्रीडिंग बॉक्स प्रोवाइड किया था, तो अभी क्रॉसिंग सब कर रहे हैं, तो इनको मैं बाहर शिफ्ट करूँगा, बाहर वाले केज में जिसमें मैंने कीवी को रखा था। तो मैं उनको बाहर शिफ्ट करने वाला हूँ और इनको मैं सेपरेट रखूँगा और कोशिश करूँगा कि दूसरी फीमेल लेके आऊँ। इस फीमेल को मैं शायद सेल कर दूँ, बहुत एग्रेसिव है, किसी मेल के साथ भी पेयरिंग नहीं हो रही है। और जो है, यहाँ मैंने बल्कि इसको लिए मटकी दे दी है और इन्होंने मटकी को एक्सेप्ट भी कर लिया है, मटकी के अंदर जा रहे हैं। और फीमेल का आप ये देख सकते हैं, और अंडे पे आ भी गई है। मैंने कहा था मैं इसी केज में इनकी ब्रीडिंग कराऊंगा, तो अभी इन्होंने मटकी तो एक्सेप्ट कर ली है। और मेरे पास दूसरी जो वजीज थी उसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कराया है। ये फ़िलहाल तो अभी बहुत छोटा है, इसके लिए मैं अभी टाइम लगेगा पेयरिंग के लिए, इसलिए मैं फ़ीमेल बाद में लेके आऊँगा। ये मेल है ये, तो ये तो बहुत जल्दी ब्रीड कर देंगे। इनको मैं यहीं पे रखूँगा और इस पेर को मैं सेपरेट करके यहीं पे रखने वाला हूँ। कोशिश करूँगा कि पेयरिंग के लिए फीमेल डिफरेंट लेके आऊँ, या तो फिर इस फीमेल को मैं सेल कर दूँगा और दूसरी फीमेल लेके आ जाऊँगा। मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं और नहीं ला सकता हूँ। पहले मुझे जगह बनाना है, इनके लिए बड़ा स्पेस बनाना होगा, मास्टर केज, फिर मैं उनको सब को एक साथ रख सकते हैं दूसरी जगह पर। ये देखिए, दोनों खाली फाइट कर रहे हैं। फीमेल का भी मेल का भी बहुत साइज़ बहुत अच्छा है, बट मुश्किल है, दोनों पेयरिंग नहीं कर रहे हैं। मुझे इनका साइज़ बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने दोनों को पेयरिंग के लिए डाला था, बट अभी भी पेयरिंग नहीं हो रही है। तो मैं फ़ीमेल को मैं अलग ही रखूँगा, सबसे अलग रखूँगा, और मेल के लिए मैं दूसरी फीमेल लेके आऊँगा। कोशिश करूँगा, बट अभी तो मैं नहीं ले सकता, मेरे पास जगह नहीं है रखने के लिए। और इनको मैं अभी बाहर शिफ्ट करने वाला हूँ। इनको मैं बाहर शिफ्ट करने के बाद आप सबको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, इनका साइज़ बहुत अच्छा है, बट पेयरिंग नहीं हो रहा है। तो देखेंगे क्या होता है इनका। फिलहाल तो मैं इनको सेपरेट रखने वाला हूँ। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनको मैं यहाँ से भी शिफ्ट कराऊँगा। वे बहुत डर रहे हैं, तो वो पेड़ तो फिलहाल क्रॉसिंग कर रहा है, तो मैं उनको बाहर शिफ्ट कराऊंगा। और ये बजीज जो है, उनकी ब्रीडिंग होने के बाद मैं आपको इसका अपडेट दूंगा। तो मैं ऐसे ही अपडेट देता रहूंगा अपनी बर्ड्स के रिलेटेड। बस आपको ये अपडेट देने के लिए ये वीडियो बनाया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।